नमस्कार। लखनऊ से मैं डॉक्टर अशोक कुमार मौर्य। पिछले दिनों मैंने S2 पर बात की थी, आज हम S3 पर बात करेंगे। S3, इसका जर्मन नेम स्क्रोफुलारिया CP है और इसका जो मुख्य प्लांट है वो भी यही है। इसका एक सहयोगी प्लांट और है, वैसे ये मेडिसिन कई प्लांटों से मिलकर बनी है, लेकिन इसका दूसरा सहयोगी प्लांट है स्माइलेक्स मेडिका। ये दोनों प्लांट ऐसे हैं जिनका रोल स्किन पर बहुत है, इसलिए इसको स्किन की मेडिसिन कहा जाता है। ये मेडिसिन S2 की तरह S1 की तरह ही है, लेकिन इसको फ्लोरिया नोडोसा के कारण इसका रोल बदल गया है। वैसे ये स्किन त्वचा के अलावा स्पाइनल नर्व, सेंसरी नर्व और मसल में जाने वाली नर्व्स पर बहुत अच्छा काम करती है। छोटी छोटी जो गांठें होती हैं, ग्लैंड्स होती हैं, उन पर भी इसका बहुत अच्छा रोल है। हमारी बॉडी में श्वेत ग्रंथियां होती हैं जिनसे पसीना निकलता है, ये मेडिसिन उन पर बहुत अच्छा काम करती है। ये औषधि नशा करने वाले लोगों में अक्सर हेडेक की प्रॉब्लम पाई जाती है, उन पर ये औषधि बहुत अच्छा रोल अदा करती है। क्योंकि हमने बताया कि ये ग्रंथियों पर अच्छा काम करती है, इसलिए टॉन्सिल, डिंब ग्रंथियाँ, स्पर्मेटिक कार्ड और जो शरीर में दूसरे बहुत सी ग्रंथियां हैं जैसे पैरोटाइड ग्लैंड्स, लैक्रिमल ग्लैंड्स और बहुत सारी छोटी छोटी ग्रंथियां हैं, इन पर इसका बहुत अच्छा रोल है। ये औषधि जल जाने पर उसके जख्मों को सुखाने के लिए बहुत अच्छा काम करती है। इसमें एक प्लांट होता है स्क्रोफुलारिया नोडोसा, ये प्लांट त्वचा के रोगों पर बिल्कुल रामबाण का काम करता है। इसी तरीके से स्माइलेक्स मेडिका या सरसा परिल्ला, वो भी स्किन पर बहुत अच्छा काम करता है। इस मेडिसिन में जो प्लांट पड़े हैं वो लगभग वही हैं जो S2 में हैं, केवल एक दो प्लांट बदले हैं, लेकिन इसको फुलारिया नोडोसा और स्माइलेक्स मेडिका ये दोनों मेडिसिन में पड़े हुए हैं। इस मेडिसिन का रोल शरीर के बहुत स्थानों पर है, जैसे S1 का रोल शरीर के बहुत से स्थानों पर है, वैसे S3 का भी रोल शरीर के बहुत से स्थानों पर है।
अब सवाल ये उठता है कि यश 1 का भी रोल बहुत स्थानों पर है, यश 2 का भी है और यश 3 का भी है, लेकिन यहाँ एक कन्फ्यूजन की स्थिति ये होती है कि हम किस मेडिसिन का कहाँ पर चुनाव करें। जब तीनों मेडिसिन एक साथ एक जैसी हैं तो हम किस मेडिसिन का कहाँ पर चुनाव करें। देखिए, यदि मेन प्रॉब्लम आमाशय की है और उसके अतिरिक्त दूसरी चीज़ों में भी प्रॉब्लम है तो आप वहाँ यश 1 का चुनाव करें। इसी तरीके से यदि मेन प्रॉब्लम यूरेटर यूरिनरी ब्लैडर और किडनी में या गाल ब्लैडर में है, सॉरी किडनी नहीं गाल ब्लैडर में है, तो वहाँ हम यश 2 का चुनाव करें। यदि इसके अतिरिक्त इन रोगों के होते हुए दूसरी चीज़ें भी इन्वॉल्व हैं तो वहाँ पर यश 2 का रोल बहुत अच्छा होता है। इसी तरीके से यश 3 में यदि चर्म रोग हैं उसके साथ दूसरी बीमारियां हैं तो वहाँ पर यश 3 का प्रयोग करना चाहिए। देखिए, हमने आपको पहले ही बताया है कि हर रोग में आमाशय इन्वॉल्व रहता है, यानी हर रोग में उसकी जड़ में आमाशय का रोल होता है। यदि पेट हमारा ठीक है तो सारे रोग ठीक हो गए। एक एडवर्टाइज सुना होगा, यदि पेट सफा तो सारे रोग दफा। तो यस ग्रुप की जितनी भी मेडिसिन है लगभग उन सब में आमाशय की मेडिसिन अवश्य पड़ी हुई है। अब सवाल इस बात का उठता है कि त्वचा रोगों में हम बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, रोग ऐसे होते हैं जहां हम पता ही नहीं कर पाते कि ये रोग कौन सा है। इसलिए त्वचा रोग पर हम थोड़ी बात कर लेते हैं। त्वचा रोग वे होते हैं जो त्वचा के ऊपरी सतह पर होते हैं, उनका अंतर कुछ इंटरफेयर नहीं होता, लेकिन वे रोग अंदर के इंटरफेयर के कारण ही होते हैं। जैसे रिंगवर्म, स्कैबेज, एक्जिमा और दूसरे तमाम से रोग हैं जो त्वचा पर होते हैं। तो त्वचा के रोगों को ठीक करने के लिए सबसे पहले आमाशय ठीक होना चाहिए, इसलिए इसमें आमाशय की मेडिसिन पड़ी हुई है। और यदि आपको लगता है कि इसमें अभी और मेडिसिन की मिलाने की आवश्यकता है तो आप दूसरी मेडिसिन्स को भी मिला सकते हैं, जैसे चर्म रोगों में या त्वचा के रोगों में यश 3 का रोल है तो साथ साथ में C3 का भी रोल है। अब C3 और S3 दोनों में डिफरेंस क्या है? देखिए, जब त्वचा रोगों में गंभीरता बढ़ जाए तो C3 का प्रयोग करना चाहिए, और
स्थिति तो दिया ही जाएगा। यदि और गंभीरता बढ़ गई है तो उसमें जी का प्रयोग किया जा सकता है। यस्त्री सी थ्री और साथ में जी का प्रयोग करें तो जख्म जल्दी ठीक होते हैं। देखिए हर बीमारी में शरीर के हर अंग में नर्वस सिस्टम इन्वॉल्व होता है, हमारी ब्लड कैपिलरी इन्वॉल्व रहती हैं, इसी तरीके से लिम्फैटिक चैनल भी इन्वॉल्व रहते हैं। इसलिए जो भी मेडिसिन इस्तेमाल की जाती है उसमें तीन चीज़ें अवश्य होनी चाहिए। पहला काम उस स्थान को जहाँ पर रोग है ब्लड सप्लाई ठीक होनी चाहिए, इसके लिए भी मेडिसिन दी जाए। दूसरा काम वहाँ पर ऑक्सीजन ठीक से जाए और वहाँ से प्रोड्यूस होने वाली कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकले, इसके लिए ए ग्रुप की मेडिसिन जानी चाहिए। तीसरी वो मेडिसिन जानी चाहिए जिसमें वहाँ पर पनप रहे जीवाणुओं से फाइट करने की शक्ति मिले। ऐसी औषधि में बहुत सारी औषधियाँ हैं, लेकिन यस्त्री में ये विशेष गुण पाया जाता है, क्योंकि यहाँ पर फोड़े फुंसी पश वाली चीज़ें या किसी तरीके का कहीं इन्फेक्शन होता है वहाँ पर सुरक्षा की दृष्टि से लिम्फ गांठें इन्वॉल्व रहती हैं, जो हमारी लिम्फ गांठों को ताकत मिलेगी तो रोगों से लड़ने में हमारा शरीर ज़्यादा सक्षम होगा।